सतना जिले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रविवार को आयोजित कार्यक्रम में पूर्व की भाजपा सरकार को जमकर कोसा और कहा कि हमारी सरकार घोषणा नहीं बल्कि अपने वचन को पूरा करने का काम करती है। उन्होंने कहा कि हम जो कहते हैं उसे करते भी हैं और यह बात फिलहाल किसी से छुपी नहीं है। पूर्व की भाजपा सरकार के मुखिया रहे शिवराज सिंह चौहान को घोषणा वीर मुख्यमंत्री की उपाधि देते हुए कमलनाथ ने कहा कि उन्होंने प्रदेश को बदहाली के सिवाय और कुछ भी नहीं दिया। उनके कार्यकाल में जहां कर्ज में डूबे किसानों ने बड़ी संख्या में मौत को गले लगाया, वहीं बेरोजगारी की समस्या भी कम नहीं रही। दुष्कर्म के मामले में प्रदेश नंबर वन पर रहा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने खाली खजाने के साथ कांग्रेस को सत्ता सौंपी थी, बावजूद इसके तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जनता जनार्दन को किसानों की कर्ज माफी जैसे दिए अपने सभी वचनों को पूरा करने की भरपूर कोशिश की। उन्होंने अंत में यह भी कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी वह प्रदेश को खुशहाल बनाने की हर संभव कोशिश करेंगे। इस दौरान महारैली को कई प्रमुख प्रवक्ताओं ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जन सैलाब उपस्थित रहा। सतना से पंकज कुशवाहा की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी